अपना पासवर्ड डाल के यूज कर सकते हैं। तो आप में से काफी सारे बड़े टाइम के लिए रेंट कर अपना प्रोजेक्ट शो करके वो बिजनेस, मतलब MBA का क्या हिसाब किताब है। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। जैसे कि आज 12th of October है और आज मेरी कॉन्वोकेशन है, तो मैं जा रही हूँ सेंट कैथरीन ब्रॉक यूनिवर्सिटी। आपको दिखाऊंगी कि ब्रॉक यूनिवर्सिटी अंदर से कैसी दिखती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आज के दिन को मैं मेमोरेबल बनाऊंगी। अपनी कॉन्वोकेशन की झलक भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई, जैसे कि गुरसाहिब जी हमारे साथ ही जा रहे हैं, राइट? तो हमने अभी नोटिस करा है कि हम दोनों ने आज व्हाइट वेयर करा हुआ है, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, राइट? सो चलते हैं सेंट कैथरीन नायग्रा रीजन और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप हो? मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। चलो भाई चलते हैं। काफी टाइम बाद जा रहे हैं। पहले मैं लंदन से, ये वहाँ पढ़ती थी तो मैं इनसे मिलने जाता था। काफी लोग मेरी वीडियो में पूछते हैं भाई आप नायग्रा करने क्या जाते थे, तो देख लो यही आते ये करने जाते थे भाई। और पहले 2 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा लगेगा किचनर से। थैंक यू सो मच। ऑल सेट? यस। मेरे ऊपर फेंक दिया आपने। सो भाई, अब हम पहुंच चुके हैं ब्रॉक यूनिवर्सिटी और उससे पहले तो सेरेमनी है, उसके बाद ही मैं आपको कैंपस का टूर दिखाऊंगी। तो इस सेरेमनी के लिए हमें गाउन लेना है, तो अंदर चलते हैं, अपनी देखते हैं कि बुकिंग का रजिस्ट्रेशन क्या सीन है उसका और गाउन लेते हैं। सो लेट्स गो। So guys, finally we are graduated and you better know her. She is Neda, right? Yes, how are you feeling, Neda? Good, good. Really good? Yes. Oh, let's click pictures. Right. Fine. You're going to the Welch Hall, our faculty. Yes. अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमने actually अपनी journey start करी थी, right? Right, right. She has to say right for everything. Yes. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं ब्रॉक यूनिवर्सिटी का टूर और ये है हमारा वेल्च हॉल जो कि है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा जो क्लासरूम है वो किस तरीके की क्लासेस थी और किस तरीके का कॉरिडोर था। तो आइए चलते हैं वेल्च हॉल। कहानी घर घर की। दिस वॉज माई क्लासरूम 207। मोस्टली जो मेरे लेक्चर्स है ना इस क्लास में होते थे, अब आपको अंदर से क्लास कोई बंद है तो वो दिखाते हैं। अब चलते हैं जहाँ पर हम अपनी जो भी असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ करते थे, किस तरीके से कॉलेज जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए और एक्टिविटीज़ करने के लिए ग्रुप में। सो लेट्स गो। ऑप्शनल रिसोर्स सेंटर, लेट्स गो इन साइड। Like we used to make our projects here, yeah. Right? जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से थी, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि प्ले सेट हो गया, कि जो भी जिस तरीके से भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी उसमें रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, तो हम यहाँ से लेकर उसको थोड़े टाइम के लिए रेंट कर अपना प्रोजेक्ट शो करके वो वापस दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बाहर से पैसे नहीं खर्चने पड़ते और आप कोई भी बुक्स वगैरह जो हैं, करिकुलम जो है, ये भी इनकी भी हैंड कॉपीज है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो हम बाहर चलते हैं, आपको अगला एरिया दिखाते हैं। सो गाइज, ये जो मेरे पीछे आपको वो बिल्डिंग दिख रही है ना बेज कलर की, ये यहाँ की 11th फ्लोर की लाइब्रेरी है, जो इतनी बड़ी, और मैं हमेशा 11th फ्लोर पे जाकर बैठती थी विद अ व्यू, बहुत ही मज़ा आता था। आपको लाइब्रेरी भी दिखाएंगे आगे, बट अभी चलते हैं वो आइजैक के आगे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने, वहाँ चलते हैं और आपको यहाँ का 15,000 स्क्वायर फीट का जिम भी दिखाते हैं कि बहुत ही मज़ेदार है। सो लेट्स गो। सो गाइज, जो फॉल का मज़ा है ना, और चाहे स्प्रिंग हो जाए, कोई भी सीज़न हो जाए, उसका मज़ा ब्रॉक में आके मैंने लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑटम बहुत ही सुंदरता से, लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से, लाइक भरा हुआ है। तो वहाँ चलते हैं, क्योंकि गुरसाहिब जी बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही हाइप बना दिया बड़े टाइम से। तो ये है जिस बिल्डिंग के अंदर अभी हम घुसे हैं, तो यह है गुडमैन स्कूल ऑफ बिजनेस, यहाँ पे MBA कराई जाती है। हाँ। तो क्योंकि गुरसाहिब जी ने यहाँ वीडियो बना लिया ना, तो इनको ज्यादा पता हो गया। आप What did you say, Neda? This is the most beautiful part of the campus. So this is the most beautiful part of the campus. जब भी हम यहाँ पर आते थे, पूरा फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता था या लंच करना होता था,
तो हम इस एरिया में आते थे और आपको फॉल क्लोजली दिखाते. लुक एट दिस ब्यूटी, राइट. सो यहाँ ये एरिया मेरा फेवरेट एरिया होता था. जैसे कि आप देख सकते हैं पत्तों का जो कलर है ना, लाइक पिंक एंड रेड, अमेजिंग. और यहाँ पर आके मतलब लोग आते हैं पिक्चर्स क्लिक कराने, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ब्रॉक का ये जो एरिया है ऑटम के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है. तो यहाँ पर थोड़े से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं और मिलते हैं आपको किसी और एरिया में. सो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं गुडमैन फैकल्टी ऑफ बिजनेस, मतलब MBA का क्या हिसाब किताब है. सो गाइज़, ये जो है एरिया, ये हमारा है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का. और जो भी इस कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसकी क्लासेस इस एरिया में होगी. तो अब हम चलते हैं बूसू क्लब का मेन दिखाते हैं आपको. तो जितनी भी ऑन गोइंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर मेंशन होती है. तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस एरिया को ज़रूर देखना, क्योंकि आप बिल्कुल भी बोर्ड नहीं होंगे, क्योंकि एवरी सैटरडे आई थिंक फ्राइडे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. सो हम चलते हैं वुड्स में, जो कि इस कॉम्प्लेक्स की बैक साइड पर. सो लेट्स गो. और आगे जाने से पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ, तो ये था हमारी यूनिवर्सिटी का टिम हॉर्टन्स, जहाँ पर आके हम क्लास में जो 15 मिनट्स ब्रेक मिलती थी ना, यहाँ से कॉफ़ी उठाते थे और क्लास में दोबारा भागते थे. सो चलते हैं हम. सो जैसे कि ये जो मेरे पीछे की आप जगह देख रहे हैं, ये लर्निंग कॉमन लर्निंग एरिया है, जो जहाँ पर एक क्लास रूम्स बने हुए, छोटे छोटे कैबिन्स बने हैं, जो आप प्री बुकिंग करा सकते हैं. अगर आपकी ग्रुप स्टडीज़ करनी है आपने, या अकेले में पढ़ना है, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि उसमें रहते हैं स्टूडेंट हाउसिंग में, तो आपके पास प्रॉपर स्पेस होती है. और आप इसको हर दिन भी, किसी भी दिन, किसी भी टाइम पर बिफोर 8 PM बुक कर सकते हैं. तो अंदर जाते हैं, थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने वुड्स पर जाना है. तो यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यूज़ कर सकते हैं. तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे पूछते हो कि भाई लैपटॉप नहीं है, क्या करें. तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सब कुछ होता है. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर लैपटॉप नहीं है आप पब्लिक कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना. तो गाइस, जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं, जो मैंने वुड्स की बात करी थी, ये पूरी यूनिवर्सिटी का मेरा फेवरेट पार्ट है. अच्छा? राइट, आपका भी था ना, आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ अपने दुख सांझे करते थे जिस जगह से. मैं तो कबीर के साथ करता था. तो मैं जगह से करती थी. राइट, तो मैं आपको उस जगह पर लेकर चलती, क्योंकि इनके पास दोस्त थे बट मेरे थोड़े टाइम बाद बने थे. राइट, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप की लड़की थी, बट एक्सट्रोवर्ट बाद में हो गई थी. राइट, और चलते हैं उस जगह पर फिर. चलो 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 चलो. पहले ये रास्ता वगैरह कुछ नहीं बना हुआ था, ये अब बना है. इनको पता था गुरसाहिब सिंह जी आ रहे हैं. Yes. बना लो. Yes. राइट, जो सारा आपका एरिया है, यूनिवर्सिटी का एरिया है. ये यूनिवर्सिटी का एरिया है, दिखाते हैं. इतना बड़ा कैंपस है. हाँ, तो भाई ये पूरी खाई सी बना रखी है, ऐसे देखो बनी हुई है. बनी हुई है. सो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही मजेदार एरिया. अभी आपको जबरदस्त एरिया तो वहां पर आता है, दिखाते हैं आपको. तो एक तरीके से क्वाइट रूम है, लोग आकर यहाँ पर पढ़ते हैं और व्यू को एंजॉय करते हैं. मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ बैठ के एंजॉय करती थी. इन्होंने वहाँ से डेस्क हटा दिया है, ये मेरी जगह होती थी. यहाँ पर एक बहुत लंबा सा टेबल लगा हुआ था और मैं यहाँ बैठती थी हमेशा. इतना मज़ा आता था ना. तो आप देख सकते हैं इस एरिया से क्या मज़ेदार व्यू है. अपनी कॉफ़ी लिया, नाश्ता लिया, और यहाँ पर मैं चार चार पाँच पाँच घंटे बैठी रहती थी. घर पे बात नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाइट रूम है. ऊपर वो देख सकते हैं कि लोग अपने लैपटॉप वगैरह लाकर पढ़ रहे हैं. और अब हम बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर का एरिया मैं आपको दिखाती हूँ. लोग यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं. एंड अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ी हम दोनों अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं. आपको मिलते हैं किसी और डिपार्टमेंट में. आपको
दिखा रही हूँ, नहीं हमारा बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, और जब लंच टाइम होता था ना या ब्रेक टाइम होता था, ये यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती होती थी। बहुत ही मज़े किए हमने यहाँ पर बैठकर घंटों घंटों। तो बहुत ही बढ़िया शानदार, ऐसा कोई तरीके का खाना नहीं है जो इस अंदर फूड कोर्ट में नहीं मिलता। यहाँ तो खाने का बड़ा सौदा है बहुत ज़्यादा, राइट। और टिम हॉर्टन्स ब्रॉक में दो है आई थिंक, और स्टारबक्स भी है, जिसका जो मन हो खाओ, मज़े मारो, ऐश करो। सो चलें आप कहीं और। चलो। तो गाइज ये है करियर जोन, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि मैं इसके अंडर काम नहीं, आप ये नहीं कहेंगे मैं जॉब करती थी, बट मेरा कोई प्रोजेक्ट था तो मैंने ये चूज़ करा था कि मैं करियर सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी, और उसके अंदर मैं लोगों के जो रिज्यूमेज होते थे, कवर लेटर होते थे, वो रिव्यू करती थी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर कोई एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं एक बिल्कुल डेडिकेटेड रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाते हैं वो वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काम किया था, राइट गुरु साहिब जी? हाँ जी। तो अगर आपको चाहिए, बस एक टिप दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए, कि भी जितनी भी जॉब्स अप्लाई करते हो, हर एक जॉब के लिए अलग रिज्यूमे होना चाहिए, एक ही रिज्यूमे हर जगह नहीं देना। तो अगर आप चाहते हो हम दोनों मिलकर एक डेडिकेटेड वीडियो कवर लेटर और रिज्यूमे में, अब इस वीडियो पे अगर 2000 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो हम ये वीडियो अगली या उससे अगली ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपको हेल्प हो जाए। रेज्यूमे और कवर लेटर पे बड़ी ज़बरदस्त वीडियो, तो लाइक ठोको ताकि हमें पता लगे कि आप चाहते हो या नहीं चाहते, राइट। और चलते हैं हम आगे। थीसल हॉल का हेल्प डेस्क है, जहाँ पर आकर आपकी जो भी कार्ड, ब्रॉक कार्ड से रिलेटेड कोई भी इशू है वो आप सॉल्व करा सकते हैं। इशू होने के लिए वो आपको बूसू के डेस्क पे जाना पड़ेगा, अगर आपको अपना ब्रॉक का कार्ड चाहिए। बूसू क्या होता है यार? बूसू होता है ना, बूसू का मतलब है ब्रॉक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। ओके, ये हिसाब किताब है, हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट यूनियन होता है। एग्जैक्टली, आपका क्या था? हमारा था सुक्की। सुक्की, मेरे को फुल फॉर्म नहीं याद। मैं पूछ भी नहीं थी आपकी तरह। ये एरिया है हमारा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस इसके अंदर, और ये है हमारे कंप्यूटर का कॉमन एरिया, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, राइट गुरु साहिब जी? और हमें लैपटॉप अगर नहीं है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो भी ग्रेजुएट्स के लिए ये एरिया डेकोरेट किया गया है, राइट? राइट, अब आपको हम दिखाते हैं ब्रॉक यूनिवर्सिटी में 15,000 स्क्वायर फीट का फिटनेस एरिया है, जो इन्होंने नया बनाया था, जिसका मज़ा मैंने तो नहीं उठाया बट लोग उठा रहे हैं। वो कॉन्वोकेशन जब आपकी हो रही थी ना, तो वो कह रहे थे कि भाई ये लाइक पूरे कनाडा में सबसे बड़ा फिटनेस सेंटर है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वाला, राइट? सो भाई लेवल बहुत ऊंचा कर दिया इन्होंने, और ज्यादा, पहले भी ऊंचा था और ऊंचा हो गया। फीस भी ज्यादा है ना फिर? फीस भी ज्यादा कर दी है वैसे, बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है, पर जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने एक ही दिन जिम ज्वाइन करा था, और उसके दिन आके मैं बीमार पड़ गई थी। तो आपने कभी जिम ज्वाइन करा था अपनी यूनिवर्सिटी? कॉलेज में जाता था रेगुलर, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे थे मेरे को जाने ही नहीं देते थे, लाइक घूमने चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं है कि फिट हो जाए, लोग चाहते ही नहीं है। और यहाँ मैं खुद ही नहीं चाहती, मेरी सेहत कहती नहीं भाई आप बीमार हो जाओगे, घर बैठो। कॉलेज टाइम पे दोस्त नहीं होने दे रहे थे फिट, अब ये नहीं होने दे रही, कभी चाउमीन बना के खिला रही, कभी पास्ता खिला रही, कभी आलू, पता नहीं क्या क्या खिला भाई। अगर नहीं खिलाऊंगी फिर ये वीडियो में कह देंगे भाई बीवी ऐसी ढूंढो जिसको कुछ आता हो। मैंने कहा फिर चलो बना ही देते हैं, राइट, सुनने से तो बेटर है बना दो। चलो यार जिम दिखाओ। तो भी आपने जिम एरिया देख ही लिया होगा, जो कि बहुत ही बड़ा है, 15,000 स्क्वायर फीट आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, बट ये छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है, क्योंकि अंदर वीडियो वगैरह बनाना जो है अलाउड नहीं है, बट अमेजिंग प्लेस है। काश मेरे टाइम इतनी सारी बढ़िया सी फैसिलिटी होती, बट मैंने कौन सा यूटिलाइज कर लिया था जब थी। आई होप ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।